For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. दोस्तों, इन दिनों आप सीरियल इश्क में मरजावा की कहानी को तो देख ही रहे होंगे कि कैसे एक के बाद एक ट्रैक बदलता ही चला जा रहा है और कहानी में आ रहे हैं खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। जहां से अगर हम पहले शुरुआत करें बताने से कि क्या हाल रहा था बीते एपिसोड का, तो उसमें आपने देखा कि कैसे हाई वोल्टेज ड्रामेबाजी के बीच आपको सब देखने को मिला, जहां पर वेदिका के जहर देने से आरोही पहुंच जाती है हॉस्पिटल में और वो हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है इस बात को लेकर कि कहीं उसका पर्दाफाश ना हो जाए, जहां नर्स भी जाकर सबको ये बोल देती है कि आरोही प्रेग्नेंट नहीं है और सारे काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाते हैं कि इतने में डॉक्टर आकर बचा लेती है आरोही को। वहीं आपने देखा वेदिका भी उसका साथ देने का फैसला करती है हमेशा के लिए, जिसके बाद ही आपने भी देखा था कि आरोही पहुंच जाती है वापस अपने घर, जहां पर वो दीप को सुनाती है खूब खरी खोटी और साथ ही साथ विराट आता है रोमा के पास, जहां वो सबको बुला लेता है और बताता है कि दीप ने मार डाला है आरोही को, जहां उसको जंगल से एक लाश मिली थी और वो और किसी की नहीं बल्कि आरोही की थी। जिसके बाद सारे जश्न मनाते हैं और पहुंच जाते हैं आरोही के अंतिम संस्कार के लिए और उसके बाद दीप काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है ये सोचकर कि उसने आरोही का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करा है और वो आज भी आरोही से प्यार करता है। इस बात को खुद आरोही के सामने कबूल लेता है, जहां पर कहानी में ट्विस्ट तो यहां से आ गया। वहीं अब सोर्सेज की माने जहां विराट के सामने के लिए ही एपिसोड में आने वाली है दीप की पूरी सच्चाई कि आखिरकार उसका असली चेहरा है क्या, और साथ ही साथ वो उसकी बहन तारा से नहीं बल्कि आज भी आरोही से ही प्यार करता है। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.